22 से बैक ना फ्रंट फ्रंट 13 जरूरत नहीं है बाद में ये सेमी मेसी के लिए 22 पूरा एग्जाम मेसी लुक चाहिए तो 13 पहले से नहीं जाना हमेशा निडल से भी डाले तो भी चले ना जब मैंने पफ कर दिया तो क्या वापस थोड़ी शुरू होगी हाँ तो ये अगर हमेशा करे तो अच्छा लगा मुझे पहले करते तो क्या उनको पकड़ के रखना पड़ता है हाँ हाँ मगज मारे होल्ड करके रखना पड़ता है इसमें कैसे लास्ट में डालते तो पकड़ने की भी जरूरत नहीं डाली होगी हाँ बिगड़ा भी नहीं है समझ में ही नहीं आ रहा वेरिएशन स्टार्ट करते सेमी मेसी लुक स्ट्रेट सेक्शन एंड तो ये बड़ा सेक्शन है हम इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे सेक्शन फर्स्ट प्लान देन टू सेक्शन में डिवाइड या आपका प्रिपरेशन वाले हेयर नहीं रहेंगे ना तो भी आप क्लाइंट को करके दे सकते हैं अंदर अच्छा ऐसे ऐसे करके जाए एकदम सेमी जिसको ज्यादा एकदम मैसी नहीं चाहिए बट वेव चाहिए वेव हल्का चाहिए सेक्शन बाय सेक्शन स्ट्रेट एंड रोटेट फुल अप भी लेते हैं वन साइड भी लेते हो तो भी चलेगा मिडल पार्ट करोगे तो भी चलेगा फुल अप विदाउट पार्टिशन हां वो सी विदाउट पार्टिशन पूरा आप ले लेंगे मिडल पार्टीशन नहीं आएगा फिर उसमें तो फिर कैसे लेंगे पूरा ऊपर ऊपर से लेंगे क्या हाँ फुल स्ट्रेट सामने से करना यही है करेक्शन यही है सिर्फ लेने के टाइम पे आपको डिसाइड करना ये भी मैं ऊपर ही तो कर रही हूँ हाँ सेक्शन कर रही हूँ ऊपर ही है लास्ट साइड सेक्शन थोड़ी है मेरा वो बॉक्स वाला सिस्टम नहीं करना है ना वो अप लेना है तो मैं अभी वो तो वही है ना बॉक्स लो और फिर नीचे का करो या पूरा एक साथ करो मैं यहाँ पे ऐसे लूंगी तो इसको ऊपर नहीं जा सकते बट मैं ले रही हूँ
ऊपर हाथ रखे भले 13 नंबर हो या 22 हो सेम पार्ट हमें साइड पे दिखाना है तो फिर नीचे की साइड पे करना है क्या वन साइड लो ऐसे साइड पे लेना है तो हाँ तो फिर साइड तो नीचे से करना है टॉप पर ये इसमें भी हो जाएगा साइड लो ऊपर से ही करना है फ्रंट ऊपर से ही फोल्ड दोनों साइड होगा तो मशीन ऐसे ही रखनी है क्या आपका लुक किस तरह से लेना है उसके ऊपर डिपेंड है मुझे इसको ऐसे ही डालना है हाँ तो ये प्रॉपर तो मुझे ऐसे ऐसे लेना है तीन से आगे का मेरा थर्ड सेक्शन हो गया ना डायरेक्टली भी फिक्स कर सकते हो ये खोल के हम थोड़ा बाउंस देके अगर इसे बाउंस आएगा ना आपका देखो ये वो खोल ये कर्ल्स करके खोल दे दे और फिर उसके बाद ऐसा आता है हाँ इसमें मतलब ऐसा नहीं करना है ये करना है तो पूरा पूरा सेक्शन हाफ पार्ट में डिवाइड मत करो बॉक्स पार्टिंग करो तीन सेक्शन में वर्क करो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिर मर्ज करके स्नान फिर साइड का सेक्शन की जरूरत नहीं वो आप पॉप के साथ मर्ज करो सेम वे यहाँ पे भी करेंगे एक एक सेक्शन निकालेंगे ऊपर भूलना नहीं है वो भी ऊपर था तो ये भी ऊपर ही होना चाहिए आपका मैं यहाँ पे आगे जाऊंगी तो ऐसा हो जाएगा टर्निंग में प्रॉब्लम होगी पीछे पीछे से अच्छे से इसीलिए मशीनरी भी रह जाएगी और सामने से ही हो जाएगा डायरेक्शन भी अप रहेगा अप रहेगा डिफरेंस नहीं है वो तो दोनों लोग एक अलग लुक दिखेगा और दूसरा अलग लुक दिखेगा स्पेशली गुजरातियों में ये फुल अपवाद चलता है महाराष्ट्र में यही साइड चलता है बंगाली में यही पूरा एक साथ लेके साइड चलता है सब में यही चलते हैं बस उसके रखने के तरीके अलग हो जाते हैं बस कोई हम लोगों को चाहिए कि आप ये अलग 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 रख के बता दो कि कैसा लुक आता है वो बहुत एक बारीक टॉम मशीन से भी कर देना वो 30 वो वही सेम पार्ट में कर रहे हैं पहले ये सेम पार्ट अभी वो करूंगी ना फिर ये नहीं होगा इसीलिए पहले ये करके दिखा रही हूं वो कर वो पतली वाली रहती ना वो वाली ना हां 30 नंबर है मेरे पास 9 नंबर की है चलेगा 9 भी चाहिए तो 9 नंबर की सेक्शन से भी बस इतना जड़ा ले सकते नहीं नहीं होगा पतला छोटा छोटा सेक्शन लूप बहुत अच्छा है हां ठीक है खरीदना है तो मैम ने बोला 13 खरीदने का 9 है तो खरीदना पड़ेगा मगर किसी को नहीं तो टाइम चलता है प्रिपरेशन कहाँ करना पड़ता है आपको क्रिम्पिंग का जितना टाइम जाएगा उसमें ये कर्ल्स हो जाएंगे फर्स्ट साइड सेक्शन दिखाती हूँ सिर्फ महाराष्ट्र में क्या होता है जैसे इन्होंने बताया कि साइड लगाना है दोनों सेक्शन को मैंने मर्ज किया लगाते जाओ बंगाली में भी इवन ये करते हैं फर्स्ट सेक्शन ये दो सेक्शन मैंने किए इसलिए कि यहाँ से जब स्टार्ट होता है ना पूरा सेक्शन टर्निंग दिखना चाहिए इसलिए दो सेक्शन में करते हैं
नहीं तो वो एक साथ करते ना तो आगे चल के गैप दिखता है, जैसे यहाँ पे हो गया बराबर, ये मैंने एक किया यहाँ से अलग हो गया, पूरा मेरा राउंड नहीं आया यहाँ तक, इसीलिए हम इसको दो सेक्शन में डिवाइड करते हैं कि ये जो गैपिंग है वो इसमें कवर हो जाए। सी फर्स्ट साइड में छोटा फेर, यही लुक को एकदम मैसी और चाहिए तो ये 13 नंबर से करो और ऐसे ही ऐड कर दो सेम फ्रेम में, तीन करो, अभी दो पार्ट चाहिए दो पार्ट में ऐड करो। फिर ये हो गया फिनिशिंग वाला, कर्ल्स में भी फिनिशिंग है। अभी दोनों साइड करके दिखाओ, ये नहीं अलग अलग सेम वे वहां से भी ऐड फोटो करूंगी, एक बार फोटो वीडियो हाँ, मतलब वो याद रहेगा ना कितने लोग फ्रेंड थे वो। ओके फर्स्ट वेरिएशन, अभी यही सेम वेरिएशन को साइड लेते, बट साइड में लेना है हम इसको ओपन कर देंगे। अच्छा इसके वगैरह मार के ओपन करना है, ऐसे ही पहले ऐसे ही ओपन करो। साइड पार्टीशन सिर्फ बाउंस आया एंड टर्निंग लगा दिया, सामने से कर भी छोड़ सकते हैं। हाँ छोड़ सकते हो, यहाँ से एक लाइन लो, ये फिर टाइट कर्ल्स करने हैं आपके, लूज नहीं चलते, 13 नंबर से टाइट टाइट, ये अच्छा नहीं लगेगा ऐसा रखोगे। ये साइड पार्टीशन में हुआ यही सेम चीज हम, सॉरी मिडल पार्ट में हुआ यही सेम चीज हम साइड पार्टी में भी कर सकते हैं। मिडल में यहाँ पे दोनों साइड ओपन करो, बट ये रहना चाहिए ना, तो रहने के लिए क्या करना है, ओपन करके इस पे हार्ड स्प्रे, और पहले ही हम हार्ड स्प्रे लगा के ओपन कर सकते हैं, कर सकते हो, ये इसका लुक भी और अच्छा आएगा, खुलेगा नहीं, फिनिशिंग से रहेगा। साइड लुक सॉरी मिडल पार्ट लुक, यही सेम चीज मुझे साइड में लेनी है, तभी मांग भी कभी इतना बड़ा मत रखो, सिर्फ आगे का हो वो लुक। इसको ऐसे ओपन करो, पहले मैंने ऐसे ओपन किया था बिकॉज मुझे ऐसे सेट करना था, अब मैंने इसको इस तरह से लिया, यहां से इसको लॉक करो, साइड में भी अच्छा लगेगा, और साइड भी करेंगे थोड़ा। मैम और पफ चाहिए हमको, तो बैक कॉमिंग पीछे नीचे बैक कॉमिंग कर, या हेयर फाइबर डाला है वो डालो, हाँ सेट तो वो डाल सकते हो, या मैंने ऐसे रैंडमली सेट किया, आप एक लेयर बैक कॉमिंग वाला अच्छा करो और फिर उसको मूव करो। बैक कॉमिंग करके टॉन्ग नहीं करना है ना, टॉन्ग करने के बाद बैक बैक अभी सेट करने के टाइम पे यहाँ पे बैक कॉमिंग पीछे भी और इधर बीच में भी कर सकते हैं, इधर हाइट बढ़ाने के लिए। हाँ उधर हाइट चाहिए तो कर सकते हो, या और हाइट चाहिए तो 28 नंबर यूज करो, ज्यादा पिन भी ना दिखे तो छोटा और हो गया मैम। जितना हाइट चाहिए उसको उतना पुश कर देना, पुश करो बैक कमेंट करके थोड़ा थोड़ा, मैंने इसको लिफ्ट किया फिर इधर से टाइट कर दो ताकि ये मेंटेन रहे, लॉक करो इनसाइड लॉक, एंड यहाँ पे ये अच्छा नहीं लग रहा है ना, इसको हम यहाँ से हल्का से इसको डाउन कर सकते हैं, इसी हाइट में भी इसके फेस पे फिर सूट कर जाए, हल्का सा ये डाउन किया, यहाँ से इसको भी इस तरह से टर्न ना, प्रिपरेशन ले रहेगा तो टॉप से
अच्छा जिनको एकदम फिनिशिंग लुक नहीं चाहिए तो प्रिपरेशन के बिना कर्ल्स कर दो और लगा दो एक्सटेंशन दिखा दो। अगर मेरे को नीचे के बालों को भी कुछ करना नहीं है, मैसी लुक देना है, फुल मैसी, किसी किसी को मैसी छोड़ी ऐसा चाहिए नीचे से भी मैसी मांगते हैं, या एक्सटेंशन रेडीमेड आता है वो अपने जो ऊपर के कर्ल्स उसमें या उसमें भी कर वो भी अच्छा दिखता है इसलिए लंबे बाल और ये अगर ये विदाउट पार्टीशन करना है तो वो पूरा स्ट्रेट जाएगा और बिना टीका ये ऊपर वो भी दिखाना चाहिए वो छोटे वाले टॉप में दिखाना और एक एक्सटेंशन देना ना स्ट्रेट वाला ये गाइस ओपन वाला ब्लैक वाला ओपन स्ट्रेट वाला एक्सटेंशन अपन जो ओपन वाला एक्सटेंशन लेते हैं ना वो ओपन वाला एक्सटेंशन को चोटी में कैसे कन्वर्ट करें पहले इसको मैं छोटी बना देती हूं किसी को आगे छोटी चाहिए रहती है मैं सीख टाइम नहीं है इतना भी करने के लिए हमारे पास एक्सटेंशन तो होती है ओपन लुक की एक्सटेंशन उसको मैं इसमें यूज करूंगी कोई भी देना है बड़े वॉल्यूम वाली नॉर्मल इसको मैं छोटी बना देती हूं मैम इसमें खजूरी छोड़ी बना तो इसमें हाथ करके दिखा दूँ पहले ये दिखा पहले जो है वो फिर लास्ट में अपन डाउट पूछते हैं अपने हाँ वो रैंडमली दिखा दूँ हाँ माइंड में रखना एक इनका वाले प्रिपरेशन एक तरह खजूर है ये एक्सटेंशन रेडीमेड अवेलेबल है इसको मैं पहले ये बना दिया है इसको मैं यहाँ पे लगा दूंगी तो इसका लेंथ है इसका लेंथ नहीं है तो उसका बल्ब बना के उसके ऊपर ये डाल देंगे नहीं लेंथ तो चाहिए चाहिए लेंथ नहीं है तो ठीक है बट है तो उसको यूज करो हाँ यूज करो इस तरह से यूज करोगी वो देखो इतने में पहले इसको लगा दिए बंद हो गया रिकॉर्डिंग चालू है कुछ बराबर नहीं रख रहा ना इसको मैंने यहाँ पे फिक्स किया अब इसको रेड बनाएंगे और सेट करेंगे तीन पार्ट में डिवाइड किया छोटी का मैसी छोटी एंड क्विक लुक क्विक यहाँ पे दो फ्लावर लगा देंगे साइड से सब प्लेसमेंट भी फिर कैसे करना है वो देखिए फ्लावर या कोई एसेसरी है तो आप एसेसरी ड्रॉ चलो ड्रॉ वन साइड फ्लावर और बाकी का जो सिर्फ प्लेस Thank you.
ये एक ही लाइन लगा रही हूँ तो यहाँ पे दो लगा के इसको नीचे कर देंगे कि वो दिखे ना। थोड़ा ऊपर देखिएगा, प्रिपरेशन नहीं है तो क्विक में आप ऐसे मैसी छोटी बनानी है, छोटी नहीं है तो ऐसे भी आप कर सकते हो, भी हो जाएगा उनका मैसी का मैसी, छोटी का छोटी रह जाएगा। रेडीमेड छोटी भी मान लेती है तो आप रेडीमेड भी लगा सकते हैं इनके बालों पे, ये लगा देने का ये वैसे तक रेडीमेड, उसको आप डेकोरेशन के लिए मिडल मिडल में बीट्स डाल सकते तो और अच्छा लगेगा। और पीछे का अभी मैसी लेते हैं, फुल मैसी करते हैं, बॉब ऑलरेडी बनाया है, नीचे का बन बना देते हैं विदाउट पार्टीशन, इसको भी विदाउट पार्टीशन कर सकते हैं ऊपर, हां ऊपर का विदाउट पार्टीशन ही करेंगे। इन्हें इसको सेटिंग दिखा रहा है सिर्फ, ये ट्विस्ट वाला, अभी इसके बाल बड़े हैं, हां पूरे बन तक आ जाएंगे पॉट में, तो फिर जरूरत नहीं है ना नीचे के बाल, नहीं तो बाल छोटे हैं जो इधर ही खत्म हो रहे, तो एक सेक्शन नीचे से निकाल के रख दो और उसको नीचे से ऊपर करके सेट करना है, ऊपर जो अभी जॉब ट्विस्ट करे उसका एक सेक्शन, एक सेक्शन नीचे से रखो ताकि हम ऊपर ओवरलैप कर सके बन पे, जिसको फुल ऊपर भी मैसी बंद में भी मैसी फुल आपसे डाउन मैसी चाहिए, बाल छोटे हैं जो यहाँ तक नहीं पहुँच रहे बंद तक, तो नीचे का एक सेक्शन लीव करो और वो सेक्शन को आप कर्ल करके डाउन को आप ले सकते हो। हो गया राउंड शेप ट्विस्टिंग लॉक कर देंगे, सेम लॉकिंग यूट्यूब मोस्टली जो आपकी
कर्व की पिनिंग होती है ना उसमें ट्राई करो उसमें जाए ताकि लॉक ये डाल रही हूँ पिन जो कर्व की थी उसमें डाल दी तो प्रॉपर लॉक होता है नहीं तो बाउंस होके बाहर आता है ये तो अपने को कर्ल से कवर करने है वरना तो दो तीन ऐसा ट्विस्ट ट्विस्ट लेके उसको सेट करना है ना अगर अपने को पीछे दिखा नहीं आया दिखाना है तो फिर तो तीन चार करके हाँ अच्छा लीड वर्क होना चाहिए मैं तो दिखाना ही है ना ये इसीलिए कल से बाय आउट सेम सेक्शन बाय सेक्शन करेंगे और एक एक सेक्शन को ओपन करेंगे अपवर्ड अभी ओपन करने जैसे हमने कर्ल्स में ओपन किया था ना उसी तरह से हम इसको भी एक एक को ओपन करके स्प्रे करेंगे सेक्शन पतले पतले लेंगे बिकॉज हमारा मशीनरी अब छोटा साइज बाउंस का निकालना नहीं है पूरा ऊपर दिखा रहे हो तो जरूरत नहीं है ना पूरा ऐसे दिखा रहे हो ना नहीं डाल सकते क्योंकि बाउंस का अच्छा है अच्छा अभी इसमें भी सेम पार्टीशन में वर्क करो अभी छोटा मशीन है अब मुझे कर्ल्स लेना है पीछे तक तो मेरा पूरा तक करना जाना चाहिए हाँ स्ट्रेट जैसे हम कर्ल्स कर रहे हैं वैसा ही स्ट्रेट लुक आना चाहिए कहीं पे भी टर्निंग हुआ तो आपका लुक चेंज हो जाएगा फ्लैट टर्न ये किसी के बाद प्रिपेयर नहीं है सिर्फ ब्लो ड्राई करके भी स्टार्ट कर सकते हो आराम से विदाउट फिजीनेस ओपन करो दूसरा सेक्शन कल तो आएगा सेम है 22 मशीनरी 28 30 कल करने की टेक्निक सेम बस उसका लुक सबका अलग अलग जैसे मशीनरी चेंज वैसे आपका लुक चेंज पार्टीशन चेंज लुक चेंज उसमें मैंने तीन लिए थे इसमें चार पार्टीशन बनी छोटे छोटे जितना रहेगा उतना फिनिशिंग अच्छा आएगा कर्ल्स बैठेगा बड़ा बड़ा सेक्शन में कर्ल्स बहुत लूज बैठते हैं प्रॉपर बैठता नहीं है जितना पतला मशीन उतना पतला आपका पार्टीशन सेक्शन 28 रहेगा तो ये दो सेक्शन में हो जाएंगे 22 तीन सेक्शन 30 नंबर को चार सेक्शन में यहाँ पे आप शाइन स्प्रे कर करके भी कर सकते हो तो
अगर कहीं ये साइड में बेबी है तो प्रॉपरली कर्ल्स हो, फिनिशिंग वाला कर्ल्स हो, मेसी भी फिनिशिंग के साथ होनी चाहिए। थोड़ा भी टर्निंग नहीं, हल्का स्ट्रेट, जैसे टर्न हो रहा है वैसे उसको स्ट्रेट करना है। जैसे 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 राउंड राउंड करोगे तो फिनिशिंग नहीं है, मैसी तो हो जाएगा, फिनिशिंग नहीं है। फिनिशिंग के साथ फिर स्टार भी है तो आप खोल के स्ट्रेट डाल दो, जैसे जैसे टर्न हो रहा है वैसे वैसे उसको स्ट्रेट करना है। One side done, हल्का सा कट स्ट्रेट करके छोड़ देते हैं। फिर दूसरी साइड इसको ऊपर नहीं करेंगे, इसको नीचे तक मोबाइल स्ट्रेट ये गोल कर, नहीं मोबाइल ये गोल वाला ओपन कर, मोबाइल तो इतनी ये हाँ नीचे हाँ बस Thank you.
ये तो आप करते रहोगे ना फुल मैसी नहीं करते थे आप भी नहीं करते ठीक नहीं मालूम उसकी मतलब कैसा करते हैं टेक्निक नहीं पता ये जो आप खड़े रहते ना वो डायरेक्शन पता नहीं था हमें हम कैसे भी करते थे वो मेन चाहिए ना वैसा नहीं आता था वही ना अगर फिनिशिंग वाला मैसी करोगे तो डायरेक्शन है नहीं तो कुछ भी घुमा दो हाँ इतना बड़ा बड़ा सेक्शन है आप क्या करते हो पूरा सेक्शन ले हाँ तो दो डिवाइड करो डिवाइड करके पल्स छोटे छोटे लो तभी जाके आपका लुक आएगा लोग बोलते हैं मैसी बट मैसी भी टाइम कंज्यूमिंग इससे ज़्यादा तो फ्रेम करके वेरिएशन हो जाए गाँव में बहुत है प्रॉपरली सेट भी होना चाहिए लुक आना चाहिए खुलना नहीं चाहिए आएगी ना तो फेरे के टाइम पे मैसी बन जाएगी साइडर्स भी आके दूल्हा की बहन है या कोई है तो मैसी बनवानी है तो डर जाते हो सुन के ही मैसी बन मैसी सुन तो नाम है मुझे भी डर लग जाता है पढ़ती है हाँ कैसे करना है हल्का हल्का कर्ज करो और मैसी दे दो हाँ क्विक क्विक हाँ क्योंकि कर्ज दिखानी नहीं है सिर्फ वेव्स तो सेट हो जाएंगे हार्ड स्पेस है ज़्यादा टाइम होल्ड नहीं रखना है लेकिन ये सब डायरेक्शन कुछ नहीं पता था जो आज समझ में आया कि अब पढ़ लेने से अब नीचे कर्ल्स नहीं दे रहे हो बाल के ऊपर कर्ल्स जाने दे रहे हो मतलब हाँ पहला पार्ट के ऊपर जाने दे रहे हो मशीन में वो देख रहे हो हाँ तो बाउंस आएगा ना चेंज कर रहे हो तो नीचे जा रहा है ये बाउंस आएगा बाउंस आएगा ऊपर की तरफ जब भी मशीन आपका नीचे रहेगा बाल ऊपर रहेंगे तो बाउंस देगा कभी किसी के बालों में बैककॉमिंग नहीं करना है बाउंस देना है एक एक सेक्शन में रोटेट करो राउंड मत करो बस मशीन को ऐसे रोटेट करो तो भी अच्छा, वो बाउंस तो भी वो बाउंस आ जाएगा आगे के लिए रोटेट कर दोगे तो वेव दे देगा हाँ सिर्फ टर्न करो ऐसे खींचो और घुमाओ आगे ये सारे हमारे बाल है इसको पकड़ के सिर्फ ऐसे बाउंस
मोस्टली फ्रंट के लिए अगर बाउंस चाहिए तो 28 यूज करना है वहां पे, ज्यादा बड़ा है ना ब्रॉड है तो जल्दी टर्निंग नहीं देगा और बाउंस फटाफट। ऐसे नहीं होगा टर्न कर रही हूँ क्या बोल लास्ट दो सेक्शन सी। अब जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है इसको मैं टर्न कर रही हूँ हाथ से ऐसे ऐसे घुमा नहीं रही हूँ पूरा स्ट्रेट जैसे हम कर्ल्स में स्ट्रेट स्ट्रेट डालते हैं वैसे ही। अगर ऊपर तक ही देना है तो हम ज़्यादा नीचे की मेहनत नहीं करते बट ऊपर से नीचे पूरा मैसी है तो स्ट्रेट पार्ट नहीं होना चाहिए। तो लास्ट सेक्शन ये कर्ल्स करने के बाद उसकी सेटिंग मेन है वो ही है वो भी है। ऊपर का टेढ़ा है इसकी वजह से जा रहा है ना ना खुल गया ना उसमें इसकी वजह से अटक जा रहा है इसमें एक भी बार अटका ना तो पूरा देर अटक के जितना पतला है उतना आपका पल्स फास्ट होगा जितना मोटा उतना पकड़ना ज्यादा पड़ेगा। अब इसका सेटिंग फुल अप लेना है बैक साइड से सेट स्टार्ट करेंगे आपका स्प्रे जैसे हम ओपन करते थे ना एक ही पे वैसे ही खोलो को सेट करो। उसमें भी कैसे हम लोग वापस वापस कर्ल्स करते थे नीचे वाले कर्ल्स में जब मैंने ओपन किया था सेम बेस सेम टेक्निक एक साइज ओपन होनी है और स्प्रे करते जाओ ताकि मर्ज ना हो और अलग अलग सारे सेक्शन हमारे दिखते हैं। अगर नहीं किया सारे एक साथ मर्ज हो जाएंगे ओपन खोलने के बाद भी अलग देखो ऐसा होगा जैसे स्प्रे करूंगी ना और उसको वापस से हाथ घुमाऊंगी खोलते जाओ
दोनों सेक्शन कहाँ का था? ये ऐसा आ गया था यहाँ पीछे का, एक साइड का, एक साइड साइड का ऊपर ले गया, पीछे से स्टार्ट कर रही हूँ जिसे हमने कर्स किया उस वैसे निकाल रहे हैं। हाँ ये सेक्शन यहाँ पे, ये सेक्शन यहाँ पे, फुल अप पैक लुक आ जाएगा, दिखेगा भी नहीं कि बीच में पार्टीशन था। सेक्शन बाय सेक्शन ऊपर जाते जाने का, यहाँ का सेक्शन पीछे से ही स्टार्ट करने का, कर्ल्स करने का, और साइड भी बैक साइड से करते हैं। ओपन भी फिनिशिंग के साथ हो रहा है और टर्निंग भी वैसे ही करनी है। ओपन करके सेट करते जाओगे तो कहीं पे गैपिंग नहीं आएगी, ना मिडल में आएगी ना साइड में। पहले उतना पतला पतला सेक्शन ओपन करो। रोटेट करते जाओ, फिनिशिंग आएगी फिर उसको स्प्रे करो। तो लगे कि नहीं आई है, बेबी हेयर बहुत ज़्यादा है, एक और बार करते जैसे जैसे हो रहा है थोड़े थोड़े सेक्शन को पिन करते जाओ, होल्ड करते जाओ बैक साइड। मैसी भी फिनिशिंग है तो बहुत लोग बोलते मैसी है मैसी, बट मैसी में भी फिनिशिंग होनी चाहिए। जितना छोटा खोलोगे ना उतना अच्छा लुक आएगा, और एक 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 को स्प्रे करोगे तो दिख के आएगा। यहाँ पे बेबी हेयर है, सब चिपक के सेट हो जाएंगे। ऐसे लगा देती तो कैसा रहता, नहीं अच्छा लगता है। ये सेक्शन को प्रॉपर इसका ही लुक देखो, हल्का सा स्प्रे करके उसको डायरेक्शन दे दिया। नहीं तो क्या करते, बहुत ऐसे खोल के सीधा लगा देते ऐसे करते मैसी तो दिखता है, अच्छा नहीं दिखता वो, फिनिशिंग अच्छी नहीं दिखती। अभी ये करके कोई खड़ा रहेगा तो कितना अच्छा दिखेगा, एक एक लेयर्स भी दिख के आ गए। थोड़ा थोड़ा सेक्शन होता है वैसे वैसे, छोटी छोटी क्लिप से यूपिन से आपको अंदाजा आएगा राउंड शेप का, कितना ऊपर लेना है कितना नीचे। किसी किसी का फुल अप नहीं सूट करता है, हाँ। यहाँ से आप लेने का एक सेक्शन, आप आगे का सेक्शन को डाउनवर्ड ले सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। किसी के फेस पे ऐसा जरूरी नहीं है सबको हाई अप पूरा सूट हो, इधर का अप ले लेने का मैसी हो गया, यहाँ से डाउन एक सेक्शन डाउन फर्स्ट वाले को डाउन ऐसे करो, इसको ओपन करके सिर्फ नीचे से ऐसे जाने स्लैंट तो भी चलेगा। वही करो साइड वाले से इस पे ना, पहले यहाँ पे ऊपर भी देखने का नाम है ना, एक पहले एक बार देख लेते हैं ना, फुल अप होगा ना फिर सूट करेगा। हाँ थोड़ा फुल आ जाएगा अच्छा लगेगा, नहीं होगा तो फुल देंगे। हाँ पहले फुल अप देखते 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 ये
शादी का छोटा छोटा फूल है वो बोला ये करोगे उससे अच्छा मतलब सिंपल पफ क्रिम्पिंग करके फ्रंट भी हो जाएगा सब हो जाता है ये तो लुक नहीं आएगा बड़ा बड़ा रखूंगी ना लुक नहीं आएगा लेकिन ब्राइडल फोन ना होते ही बोले स्पेशली महाराष्ट्र हां मेरे को तो बहुत कर्ल बहुत पसंद है मुझे डार्क ट्रेंड यही सब चाहिए और फिनिशिंग देंगे ना मुझे नहीं चाहिए कल्स करके दो मैसी करके दो क्या है पता नहीं उनको कुछ समझ में नहीं आता बस मैसी उसने उसकी बहन ने मैसी किया उसकी फ्रेंड ने मुझे भी वैसा ही कुछ करके दो जितना अच्छा ये देखो ऐसे रखूंगी ना तो ऐसे ही रह जाए हैंड मूवमेंट्स में टर्न करके फिर इसको कल्स तो ही रहेगा तो खुल जाएगा चालू है बने दे
से मत करो, ये रिकॉर्डिंग नहीं होगा तो नहीं चलेगा। सबको चाहिए रहता है। जब पूरा खोल के रेडी हो जाओ ना तो बहुत अच्छा लगेगा। एक ही कल्स फूटा के फोर फिंगर डाल के ऐसे डाल दे तो खुल जाएगा, सब स्ट्रेट हो जाएगा। अच्छा ये ऐसे नहीं खुलेगा प्रॉपर। यहाँ पे मैंने ऐसे किया, एक तो अनइवन खुले फिंगर की वजह से और ओपन हो जाएंगे कल। मैंने पानी में चार नहीं करनी, ठीक है ठीक है करो। इतने इतने सेक्शन में आपको उसको ओपन करना है। एक साथ करने जाओगे तो फिर खुल जाए। पार्टीशन बड़ा भी रहेगा ना तो भी ये फ्लैट लुक देगा। पार्टीशन भी छोटा और कल थोड़ा थोड़ा खोलो। सेक्शन भी बड़ा था ऊपर से खोला भी मैंने हाथ डाल के, इतना ब्रॉड सेक्शन फ्लैट जितना छोटा उतना टर्निंग आपका अच्छा होगा। मैसी दे दो उनको लगता है मैसी एकदम 5 मिनट का काम। मैसी दे दो ना सस्ते में, मैसी तो कर रहे हो फिर क्यों इतना चार्ज कर रहे हो उनको काम आलू कुछ नहीं उनको नहीं देते फिर उनको ऐसे खोल के दे देने का और क्या करते बड़े बड़े सेक्शन नहीं करते। किसी क्लाइंट को मना नहीं करेगा ट्रिक यूज ना बोलेगा हाँ आप फिर तो सो काम होते ना बोलोगे तो बाजू वाली रेडी है तू नहीं तो कोई और कंपटीशन तू नहीं तो कोई और नहीं तो पैसा पूछ के ना दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी दो दो चार जगह पूछ के काम दिखाओ ना ऐसा आएगा मछली बोले वो आएगा फिर वो दूसरी के पास जाएगी 500 रुपए में उसका काम दिखाएगी नहीं अच्छा लगेगा तो आपके पास ही आएगी फिर भले दो उसको वैसा ही 500 रुपए जैसा काम बट अच्छा दिखा उसको दिखाने के लिए भी अच्छा दिखा वो ऐसे ही तो नहीं बात अकल रहेगी तो काम देखेगी अगर उसको जैसा चाहिए वो काम देखेगी अगर पैसे देख रही तो नहीं आएगी काम चाहिए तो आएगी उधर पैसा ही काम महिला बोलते हैं इसीलिए हमारा इधर यहाँ पे ना साड़ी पे ब्लाउज पे एक तो दो टाइम करवाते 5 मिनट देते और बोलते 5 मिनट का तो काम है ऐसा नहीं देखते कि सुबह से जब तक दूसरा दूल्हा करवाएगी लेकिन जाओ
दरवाजा खटखटाने आएंगे ना वो लोग तो खटा लगे महाराष्ट्र में रहती गुजराती लेने का अदर कास्ट लेने का उनको टाइम भले लगता है आराम से टाइम देते हैं पैसे देते हैं हम लोग क्या किए चार लोग देखते ना तो ऐसा होता है महाराष्ट्र में पैसे दिया खाना खाया निकल जाते देखते भी नहीं है क्या रेडी हुई है क्यों रेडी हुई है कुछ नहीं रहता कुछ नहीं रहता हाँ आगली कोली वाला क्राउड आया ना तो आपकी चांदी है जो चांदी है वो क्राउड बहुत अच्छा है उनको रिलेटिव ना वो बोलते हैं ऐसा मतलब आगरी कोली कि कोई सगे वाले जल्दी जाए ना खाली खाली खाना भी ना खाके तो उन्हें नाम रखते हैं ऐसे बोलते हैं वो लोग तो रेडी भी बहुत सही होते हैं सिंपल ऐसा कुछ तो नहीं चलाएंगे एकदम बॉडी चाहिए उनको बॉडी चाहिए और अच्छा खासा मेकअप हेयर भी एकदम एडवांस अभी तो एडवांस मांगते हैं वो लोग एकदम बॉडी मेकअप फ्रेश फ्लावर चे त्यांच्या वेगळ्या काय असतात और वो साड़ी पे मैचिंग बनाते बनवा के लेते हैं वो फ्रेश फ्लावर का अपना टाइम सीए सीखना था देखना था लेकिन अभी करना नहीं है भाई करना सिर्फ देखना है सीखना इजी है सिर्फ टर्निंग करना आप सीख जाओ और आराम से क्लियर हाँ पेशेंस ये ज़्यादा टाइम रही ना वहाँ पे हाँ। दो दो में आते हाँ उसका 47 है ऐसा कुछ तो है सही रहा मैंने एकदम देखो पीछे का कैसे सेट कर रही बीच में लिया तो साइड ब्लैंक लगेगा एक्चुअली मॉडलिंग में बहुत मस्त लगे विदाउट टीका करती है और वो पट्टी वट्टी वाला ब्लाउज पल्लू छोड़ के तो बहुत मस्त मैम मेरा इच्छा है नेक्स्ट टाइम वैसे वेस्टर्न कपड़ों में दिखा दूं किसी को नहीं अच्छा लगेगा वेस्टर्न कपड़ों में ही ना लगे अच्छा पट्टी वट्टी वाला ब्लाउज में आज छुट्टी का दिन है कल का कल छुट्टी आई थी नहीं नहीं पर नागपंचमी ला कुछ छुट्टी नहीं थी नहीं नहीं आज वैसे कुछ नहीं Thank you.
उसी को तुम साइड बिठा सकते हो, मिडल से स्लैंट बिठा सकते हो, जो करना कर सकते हो। ऊपर तो रहा पेंसिल।